नमस्कार, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से। मैं खड़ा हूँ जीएच हांसी के अंदर पीपीसी सेंटर में। पीपीसी सेंटर को यानी कि कोविशील्ड जो हमारे एक वैक्सीन आई है यहाँ पर, उसके लिए यहाँ वैक्सीनेशन किया जा रहा है कोविड 19 के लिए। यानी कि पहले वैक्सीन आई थी 18 और 19 को, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट को लगनी थी और उसमें लगी हैं। 120 का लोट आया था, उसमें 71 बेनिफिशरीज को लग चुकी हैं। उसके बाद परसों से एक अभियान और शुरू हुआ कि वैक्सीन किनको लगेगी। 176 की प्राइवेट डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स को लगनी है वो वैक्सीन। फर्स्ट डे यानी कि 46 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो प्राइवेट हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, उनको वैक्सीन लग चुकी है। और आज 13 यानी कि ऐसे प्राइवेट डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को लग चुकी है। हमारे साथ खड़े हैं वर्दी डॉक्टर एसएस मान, जो देव डायग्नोस्टिक सेंटर के यानी कि संचालक हैं। और डॉक्टर मान एक वार वॉरियर की तरह आप काम करते आए हैं अभी तक। और ये कोविशील्ड और एक कोविशील्ड वैक्सीन आई है, जो यहाँ तो कोविशील्ड आ रही है, तो वैक्सीन लगवाने में आपको कितना यानी कि ठीक लग रहा है और कितना ऑथेंटिक है ये? बंसल साहब, आपको एक बात बताऊं? हाँ। आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग भी समाज को ये बताइए, समाज के बीच में जाइए, लोगों को सिखाइए और समझाइए कि ये वैक्सीन ज़रूरी है, ये आपके हेल्थ के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सगे साथियों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। इसमें किसी को हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बुखार हो जाएगा या किसी आदमी को छोटी मोटी उल्टी आ सकती है, वो बीइंग ए टाइम। और बुखार होना अच्छी बात है, एक बार तो बुखार थोड़ा बहुत हो भी जाए तो उसमें अच्छा। मैं आपकी बिल्कुल बात काट रहा हूँ और आपके ऊपर ही डाल रहा हूँ, ऊपर लगवाओ, आपको ऊपर ही डाल रहा हूँ। बताओ, 176 की लिस्ट आई, क्या पैरामेडिकल स्टाफ प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पढ़े लिखे नहीं हैं? उन्होंने फर्स्ट डे आके जो परसों जो था कि भी इतनी कम संख्या में आए और यहाँ, मैं तभी आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ, तो उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ, फैटर्निटी के डॉक्टर्स को बोलिए ना आप, वो लोग भी मेहनत, मत कहिए, सुनो, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ स्टाफ नहीं आया जानबूझ के, डरा हुआ, वो दो दिन बाद ड्यूटी पे आएंगे। फैटर्निटी के डॉक्टर्स कितने आए इसमें? मेरी फैटर्निटी के डॉक्टर जो है, जिसका नंबर आया जा रहा है ना, हमें एक मैसेज आता है, मैसेज के हिसाब से सब जिसका नंबर आएगा वो अपने आप आते रहेंगे। और जो स्टाफ हमारा नहीं आ पा रहा है उसको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं, उसको भी लेके आएंगे, हम वैक्सीन सबकी कराएंगे। आज भी मेरा आधा स्टाफ आ चुका है, आधा स्टाफ अभी आना है, सब लगवा के जाएंगे, मेरा स्टाफ कोई भी नहीं वैक्सीन के बगैर रहेगा। जो आपकी आईएमए है, एक संस्था है, उनके सभी मेंबर्स यहाँ आकर वैक्सीन करवाएंगे जिनका नाम है? मुझे नहीं लगता कोई उसमें पीछे हटेगा। अच्छा, ये तो सबका मीटिंग हुई थी, मीटिंग में उन लोगों ने डिसाइड किया था भाई वैक्सीन लेनी है, स्टाफ को भी लगवानी है। अच्छा। कुछ स्टाफ जो ना किसी गलत भ्रांतियों के कारण थोड़ा बहुत मिसगाइड हो गए, मिसगाइड हुआ ना, उनको भी समझाएंगे, प्यार से मनाएंगे, हमें देख लेंगे भाई हमने लगवाई, हमें क्या हुआ है, इसलिए तुम भी लगवाओ, चिंता मत करिए। हेल्थ डिपार्टमेंट जो ना, और मैं स्पेशली यहाँ के मेरे SMO डॉक्टर बुद्धि राजा, डॉक्टर कमिंद मोहन का धन्यवाद करता हूँ कि ये अपने सभी साथियों को समझा के प्यार से वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उनकी, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। इसके बाद जो ऐसी साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ होते नहीं है इसके, ये तो पता ही होगा? एक सिंपल सा बुखार आता है, वो भी कुछ लोगों को। अच्छा, एक आध लोगों को थोड़ी बहुत वोमिटिंग हो सकती है, मे बी, वो भी नहीं है, नोजिया वोमिटिंग या थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, अरे यार वो तो पैरास्टामोल की गोली से हो जाता है। और जिसको बुखार होता है उसके लिए तो अच्छा सिम्टम, बल्कि वो उसको होना भी चाहिए। बुखार के पहले हमें जो लगते थे इंजेक्शन लगते थे, जो वैक्सीन थी जिसको देसी भाषा में नस्तर बोलते थे आप लोग, वो लगते थे, उसमें बुखार भी होता था, स्वेलिंग भी होती थी, ये तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हर इंसान को आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे इंसान को, और जो उसके पेरिफेरी के लोग हैं उनको समझा के वैक्सीन के लिए सामने लाएं। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स से ज़्यादा इस बारे में कोई और ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, कि डॉक्टर तो खुद इलम रखते हैं। आज एजुकेशन हर जगह पे है, नेट है, गूगल है, मैप्स हैं, सारा हम सब पढ़ सकते हो, सब कुछ मिलेगा आपको। डॉक्टर्स एंड द पैरामेडिकल स्टाफ, प्राइवेट पैरामेडिकल स्टाफ एंड द प्राइवेट डॉक्टर्स मस्ट बी कोऑपरेट फॉर दिस वैक्सीन, या दे शुड डीम टू बी लाइक दिस की भी इट इज़ अ वेरी गुड वैक्सीन। हमें खुद को लेनी है, हमें कोऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, हमें उन लोगों को समझाना है जो लोग वैक्सीन से डरे हुए हैं, एक रूमर्स है, एक भ्रांति है उनके बीच में, उनको तैयार करना, मोटिवेट करना, उनको लगवानी है। अच्छा, ठीक है जी, और जरूर लगवाएंगे। और बताइए, थैंक यू, आपने लगवा ली डॉक्टर साहब? हाँ, प्लीज। कैसा महसूस कर रहे हैं?
You are having very smiling face and a fabulous mood. अभी तो एक आपको भी लगानी है। अभी एक आपको भी लगानी है। मेरा दूसरे चरण में आएगा नंबर, मैं जरूर लगवाऊंगा। I will be the first person. मैं डॉक्टर मोंगा जी से जानूंगा। डॉक्टर साहब, आप फर्स्ट बेनिफिशरी रहे हेल्थ डिपार्टमेंट के, और मुझको लगता है कि 18 तारीख को पहले ही आप कैंडिडेट ऐसे रहे, बेनिफिशरी रहे, जिन्होंने वैक्सीन यहाँ लगवाई थी PPC सेंटर हांसी में, GH में। तो इतना यानी कि 18 को कितने दिन हो गए आप, यानी 10-11 दिन हो गए हैं आपको, यानी कि 7-8 दिन, कैसा महसूस कर रहे हैं आप जी? आज पूरे 9 दिन हो चुके हैं मेरे को वैक्सीन लगवाए हुए, और किसी तरह प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, हल्का बॉडी एक हुआ था, वो भी 24 घंटे तक रहा है, उसके बाद से बिल्कुल स्वस्थ हैं। बिल्कुल हेल्दी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल जी। इसकी बूस्टर कब लगेगी आपको? 28 दिन बाद। हाँ जी। मेरे साथ खड़े हैं SMO डॉक्टर बुद्धि राजा जी, जो बहुत वॉरियर की तरह काम करते रहते हैं। तो थोड़ा सा आप ही जानकारी दीजिए कि क्या शेड्यूल है आपका, इससे ज़्यादा नहीं पूछूंगा। शेड्यूल हमारे पास डे टू डे शेड्यूल आ रहा है, जिस तरह आज का शेड्यूल हमारे पास कल आया था, और आज 100 बेनिफिशरीज का शेड्यूल है, जिसमें प्राइवेट मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ और जो भी हमारे स्टाफ के रह जाते हैं उनका आता है। ये स्लो मोशन में आ रहे हैं या ये जिनको आपने मैसेज दे दिया वो प्रॉपर आ रहे हैं? जिनको वहाँ से मैसेज जा रहे हैं हेडक्वार्टर से, वो आ रहे हैं। अभी तक 13 आए हैं। आज कितना मैसेज कन्वे किया है आपने? हाँ, हेडक्वार्टर की तरफ से 100 लोगों की लिस्ट है, उनको मैसेज किया है। और ये कितने, 3 बजे तक चलेगा? 5 बजे तक। आपके पास यानी कि कोल्ड चेन है यहाँ? हमारे पास कोल्ड चेन मेंटेन्ड है। नमस्कार दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ आ चुकी है, 18 से हेल्थ डिपार्टमेंट को लगी। अब पैरामेडिकल प्राइवेट डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का नंबर है, तो हम तो यही कहेंगे कि आप इस वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि बेनिफिट उठाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। मैं राजीव बंसल, मेरे रिपोर्टर रवि सैनी के साथ यही इल्तजा कर रहा हूँ कि आप यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट को जो ऊपर से गाइडलाइंस आती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करके इसको एक अवेयरनेस का अभियान बनाएं, अवेयरनेस का हिस्सा बनाएं, और कोविशील्ड वैक्सीन जो आपकी इस COVID-19 को यानी कि ख़त्म करने के लिए ईजाद हुई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ना उदासी का लम्हा किसी के पास आए, ईश्वर करे कि ये वैक्सीन जो COVID-19 को भगाने के लिए बनी है वो सबको रास आए। देखते रहिए हंसी की आवाज़।